फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और रात के बज रहे हैं 8:50 हो रहे हैं, और यहाँ पर मैंने व्लॉग जो है अभी अपलोड पे लगाया था, मैंने वहाँ से लेकर आया मोबाइल को ताकि मैं व्लॉग जो है शुरू कर सकूँ। तो आज मैं और आपा आजमा गए थे विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि थोड़ी बहुत ग्रोसरी जो है आपा को चाहिए थी, और मैंने सोचा कि चलो मेरे भी पास जो भी ख़त्म हुआ है मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, ज़रूरत की चीज़ें मैं भी लेकर आई हूँ थोड़ी बहुत। तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि जो नेक्स्ट व्लॉग है वो शुरू कर लेते हैं। आज का जो व्लॉग है, सुबह जाना था तो अभी वो जाने वाला है, यानी कि रात में तो लाइव होगा थोड़ी देर में, तकरीबन 1½ घंटे में लाइव हो जाएगा। और आज का जो व्लॉग है वो लेट इसलिए हुआ है क्योंकि आज मुझे जो कपड़े थे वो अर्जेंट में स्टिच करके देना था, जो कि मैं अभी डाल रही हूँ, लाइव होने वाला व्लॉग है उसमें ही मैंने दिखा दिया है। तो जो मेरे कस्टमर हैं उन्होंने कहा था कि भाभी थोड़ा सा जल्दी दे देना, आज कुछ फंक्शन है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उनका काम जल्दी से करके देते हैं। रात में भी मैंने ख़त्म कर लिया था थोड़ा बहुत, और जो बचा कुचा था सुबह के 7 बजे से लगी थी, तकरीबन 10 बजे तक मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, फिर बहुत सारे काम थे, तो आज जो व्लॉग है वो कल का लेट हो गया है अपलोड होने में। अभी थोड़ी देर में 1½ घंटे में लाइव हो जाएगा, अब ये दूसरा व्लॉग है। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। और आज मैं करने वाली हूँ मेरी जो अलमीरा है उसको क्लीन कर रही हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी, बस अजमा की अलमीरा और उसके पापा की मैंने कर दी थी, बस मेरी जो अलमीरा है वो मैंने क्लीन नहीं की थी, बहुत दिन से सोच रही हूँ। तो आज फाइनली दिन आ गया है। अभी जैसे मैं कपड़े जो यहाँ पर देखे घड़ी कर रही थी, तो कपड़ों को तय लगाना था, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में अलमीरा भी साफ़ कर ही लेते हैं। तो अभी जल्दी से अलमीरा को साफ़ कर लूँगी, जितना जो भी होता है आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। पहले तो मेरा व्लॉग अपलोड हो जाए, इसके बाद मैं आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने अपनी जो अलमीरा है उसको सेट कर लिया है। इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि देखो अभी डेली वेयर के कपड़े अच्छे से मैंने रख लिए, वैसे तो अच्छे से ही रहते, थोड़ा बहुत भी अगर खिसक जाते हैं तो मेरा मन नहीं करता है। तो बहुत दिन से देख रही थी और आज फाइनली कर लिया है। और यहाँ पर मेरे सारे बाहर के पहनने वाले कपड़े हैं, ये सारी फाइल्स हैं और बैग्स हैं, जो कि मेरे ये मेरा कलेक्शन है, ये सारे बाहर वाले हैं। ये कभी कभार यहीं कहीं पे जाती हूँ तो ले जाती हूँ, ये नाइटी वगैरह हैं, इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। ये अजमा के पापा के हैं। और फाइनली मैंने फिर से निकाल लिया है इन कपड़ों को, अजमा के पापा के सारे आयन करने वाले कपड़े हैं। फाइनली है, मतलब फाइनल अब इसको आयन कर ही देंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको निकाल रही हूँ, रख रही हूँ वापस। तो अभी मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको कंप्लीट करना है, मतलब करना है कल, कैसे भी संडे है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको कल ही कर लेते हैं। तो निकाल के रखा है, बस इसको आयन करना है। देखिए फ्रेंड्स, अचानक से हमारी जो मिक्सी है वो बंद पड़ गई है, और अभी चटनी हमारी बनी नहीं, तो मुझे आपा के घर जाना पड़ेगा। तो चलिए, वहाँ से बोल रही थी अजमा के पापा को कि मिक्सी जो है कभी भी बंद पड़ सकती है, पता नहीं उसमें लोड नहीं ले पा रही थी, कुछ तो चल रहा था उसका जोर, तो बहुत दिन से बोल ही रही थी। अब पता नहीं क्या होगा, मिक्सी लेंगे या फिर रिपेयर करवाएंगे, देखेंगे क्या होता है, क्योंकि मुझे मिक्सी की सख्त ज़रूरत होती है, मिक्सर ग्राइंडर की हर किसी के घर में होती है, पता नहीं अब क्या करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपा के घर चलते हैं, आपा के घर जाते हैं, वहाँ से इसको ग्राइंड करके लेकर आते हैं। तो चलिए चलते हैं। A few moments later. तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ अंडे का मीठा। तो यहाँ पर 6 अंडे लिए हैं, इसका मैं बाद में आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे वो बाद में बताऊँगी। यहाँ पर 1 घंटा पहले मैंने बादाम और काजू को भिगो दिया था, गर्म पानी में भिगोया था, क्योंकि जल्दी से बादाम भीग जाए। तो इसका प्रोसेस पहले कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएँगे कि कैसे बनाना। तो यहाँ पर बादाम को अच्छे से छील लूँगी, जितने भी बादाम यहाँ पर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बादाम छील लिए हैं, अब इन दोनों को हमें इकट्ठे पीसना है। तो यहाँ पर मैंने काजू भी डाल दिए हैं, साथ में मैं इसमें यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम सूजी ली है, ये आप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सूजी को थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, अभी तकरीबन मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, दूध डालकर अंडों को इसमें
फेंट लेंगे जितने भी अंडे हमारे पास हैं। और यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई, इसमें डालना था मलाई और मैंने इसमें मलाई डाली नहीं है। और अगर आपके पास हो तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर दूध का ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा लें ताकि ये क्रीमी क्रीमी बने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई जिसमें मैं अंडे का मीठा बनाऊंगी, तो उसी में डाल देंगे ये बना हुआ हमारा बैटर जो हमने पिसा है। और इसी जार को हमें फिर से यूज़ करना है, मेरे पास जार छोटा था तो मैंने दो बार किया है। तो यहाँ पर अभी मैंने डाल दी है चीनी और यहाँ पर दो अंडे जो बचे हुए थे वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। एक चम्मच इसमें इलायची पाउडर डालना है, मुझे चीनी कम लग रही थी तो मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी भी थोड़ी सी ऐड कर दी। और यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रही हूँ और इसको ब्लेंड करना है। आप चाहे तो बड़ा ब्लेंडर ले सकते हैं और यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सारा बैटर जो है इसी में निकाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो हमारा बैटर है वो तैयार है, अब इसको रख देते हैं गैस के ऊपर पकने के लिए। तो चलिए दिखाते हूँ किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रख दिया है गैस के ऊपर, गैस को ऑन करना है। इसके बाद हम इस फ्लेम को रखेंगे पूरा सिम पे, सिम पे रखकर हम इसको पकाएंगे। और हाथ हमारा बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, हाथ में मतलब चलाते हुए इसको पकाना है, बिल्कुल भी कहीं पे भी मतलब एक दो सेकेंड के लिए भी नहीं रुकना है, क्योंकि इसमें अंडा होता है तो हमारा जो अंडा है वो पकने लग जाता है एकदम से और वो लम्स क्रिएट कर देता है। तो इसी वजह से हमें चलाते हुए पकाना है। अगर और मेरे पास ना टांगा हुआ ऊपर एक मोबाइल होल्डर था जिसपे मैं मोबाइल होल्ड करके रेसिपी ब्लॉग शूट करती थी, लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा जो वो वाला होल्डर है वो टूट चुका है। काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसी वजह से मैं रेसिपी का कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ काजू और बादाम लिए हैं, ये यूजुअली आपा नहीं डालते थे, ये रेसिपी जो है आपा की है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काजू और बादाम को कट कर लिया है और अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़े काजू और बादाम मैं अभी से डाल देती हूँ, थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को डाल दिया है, बस अब इसको चलाते हुए हमें अच्छे से पकने तक पकाना है। देखिए इस तरह से चलाते हुए, बिल्कुल भी आपका हाथ जो है ना रुकना नहीं चाहिए। मैंने जब काजू बादाम में कट कर रही थी तो गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था ताकि नीचे से लगे नहीं। तो बस अब इसको चलाते हुए हम पकाएंगे, जब ये गाढ़ा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको हमें दम पे छोड़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा जो बैटर है वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज पे हमें कुछ नहीं करना है, इस तरह से ऊपर से सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल देने हैं। इसमें से निकाल देती हूँ चम्मच। और जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल, अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे चारों तरफ से घी। हम ढक के छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, दम पे छोड़ देंगे एकदम धीमी आंच पर। फ्रेंड्स, अभी चेक करते हैं हमारा मीठा कहाँ तक आया है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमारा जो मीठा है दम हो गया। इस तरह से हमें टूथपिक अंदर डालनी है और टूथपिक आप देख सकते हैं एकदम साफ निकली है, इसका मतलब है कि हमारा जो मीठा है वो बन चुका है, तो पूरी अच्छे से साफ निकली है। तो अब इसको ऑफ़ कर देते हैं गैस की फ्लेम को और इसको खाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत मज़े का बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं फ्रेश हुई हूँ नहा धोकर और हमारी बिरयानी अभी तक बनी नहीं है, मीठा बन चुका है और थोड़ा सा लेट हो गया है कुकिंग करने में। आज सुबह से मेरी सब कुछ गड़बड़ हो रही है क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि मिक्सर जो मेरा ग्राइंडर है वो ख़राब हो गया है, हालांकि मिक्सर ग्राइंडर जो है अच्छा ही है, थैंक गॉड, क्योंकि हम मतलब अभी ख़रीदने से थोड़े दिन पहले तक तो चल जाए, क्योंकि अभी तक हम अभी ख़रीदेंगे नहीं उसको, नया ख़रीदने वाले हैं, तो ख़राब नहीं हुआ है मिक्सर ग्राइंडर जो है अच्छा ही है। बस जो हमारा स्विच बोर्ड है वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें हुआ है इशू, पता नहीं क्या है। जब इस घर में आए हैं तभी हमने इसको नया बनवाया है, पता नहीं क्या हुआ है, इसको भी करवाना है रिपेयर, क्योंकि मुझे वहाँ से हटा कर यहाँ रख कर बार बार उसको मिक्सर को यूज़ करना पड़ता है।
और गलना बाकी है। चावल में अभी एक 20% की कसर बाकी है। तो संडे का दिन मेरे लिए बहुत बिजी रहता है, मतलब जिस सैटरडे को मैं रात में बर्तन नहीं धुलती भी या फिर नहीं धुल पाती हूँ, तो उस दिन मेरा मतलब नेक्स्ट डे मेरा संडे जो होता है ना, बहुत हैक्टिक शेड्यूल चल जाता है। क्योंकि अभी मैंने रात में बर्तन नहीं धोए थे, शाम के मैंने धो लिए थे, संडे हसीना पर नहीं आते हैं तो रात के मैंने नहीं धोए थे, तो उस वाले बर्तन को ना धोने की वजह से अजमा के पापा संडे के दिन सब्जी लाते हैं पूरे हफ्ते की, तो वो भी क्लीन करना था और झाड़ू करना था, बर्तन करना था ब्रेकफास्ट के बाद के, फिर इसके बाद कपड़े भी मैंने धोने। कपड़े भी मैंने धुलने के लिए लगा दिए हैं मशीन में, तो इस सारे कपड़े मतलब संडे का दिन बहुत ज़्यादा शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, क्योंकि सारे काम इकट्ठे करना और अकेली करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है हमारा लंच। तो अगर मैं रात में बर्तन धुल कर सोती तो शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, हर बार नहीं होती है, लेकिन आज हो गई है क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धुले हैं, बस अब इस बीच वजह से सारे काम करके सोना पड़ता है, लेकिन जिस दिन थक जाती हूँ ऐसा होता है। और मेरा कल का जो व्लॉग है वो भी मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, शायद से शाम में मैं अपलोड करूँगी। अभी लंच होगा तो मैं सारे कपड़े सूखने के लिए फैला दूँगी, फिर इसके बाद मेरा जो एडिटिंग है वो करूँगी, शाम तक मेरा ये जो कल वाला जो व्लॉग है लाइव हो जाएगा। तो इसी चक्कर में मेरे व्लॉग जो है लेट होते जा रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी मतलब अभी एक हफ्ते दो हफ्ते से मेरे जो व्लॉग हैं वो बिल्कुल भी एक दिन भी स्किप नहीं किया है, मैं हर दिन देती जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह ऐसी ही मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे तो यही दुआ है, और मैं कभी ब्लॉगिंग को स्किप नहीं करूँ, तो यही सोच रही हूँ कि कभी भी एक दिन भी स्किप नहीं करना है, तो इसी वजह से मैं कंटिन्यूसली आज तक मैंने दिया है। तो आज ही का जो ब्लॉग है थोड़ा सा लेट हो रहा है, कल का भी लेट हुआ था आज, तो कितना भी लेट हो जाए लेकिन मैं ब्लॉग जो है रोज़ का रोज़ देती जाऊँगी, तो दूँगी ज़रूर। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली आज मैंने ये जो कपड़े हैं फाइनली आयन कर लिए हैं, ये अजमा के पापा के कपड़े हैं। बहुत दिन से जब से हुबली से आई हूँ तब से सोच रही हूँ करना है लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, हालांकि बहुत कम कपड़े हैं, कम मतलब तकरीबन होंगे 8 शर्ट और 1-2 कुर्ते हैं, इनके साथ सलवारें भी हैं, तो इतने ही हैं। तो इनको करने में इतना टाइम लग गया है मुझे, तकरीबन 2 घंटे लगे हैं, क्योंकि अच्छी कड़क आयन में करती हूँ, इसी वजह से घर में ही करती हूँ। जब तक मुझ में हिम्मत है ना, मैं कर सकती हूँ तब तक मैं करूँगी, क्योंकि बाद में जैसे जैसे उम्र डलेगी या फिर आगे मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अब के लिए मुझसे होता है तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। लेकिन हाँ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, बहुत दिन से सोच रही थी आज ये काम कम्प्लीट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी बारी आती है मेरे कपड़ों की, इन कपड़ों के बाद तो देखते हैं, मेरे तो इतने नहीं हैं, तकरीबन होंगे 5-6 जोड़, तो 5-6 पेयर करना, यानी कि एक पेयर में 3 होते हैं, यानी कि सलवार दुपट्टा और इसके साथ हमारा कुर्ता भी होता है, तो एक पेयर में 3 जोड़ होते हैं, तो ज़्यादा ही होते हैं, 5-6 पेयर करना भी ज़्यादा हो जाता है, तो अभी इनको रख देते हैं अलमीरा में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मॉर्निंग है, और मैं व्लॉग को एडिट करने के लिए बैठी थी, और मैंने यहाँ पर देखा कि मैंने व्लॉग का जो एंड है वो नहीं लिया था, और आज मंडे का दिन है और 2nd of October है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गांधी जयंती, तो वही है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा, और ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छे अच्छे व्लॉग आप तक ला सकूं। आपके जो कमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा कम आते हैं, मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।